नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद में बैठा हूँ। डॉक्टर शेख के यहाँ। डॉक्टर से नमस्कार। नमस्कार। मैं एक आपसे, मेरे पास बहुत सारे पत्र आए हैं, मैं इन पत्रों में कुछ पत्र ले रहा हूँ। तो एक पत्र आया है, नामर्दी का क्या इलाज है? देखिए प्रदीप जी, जो आपने मुझसे पूछा है कि नामर्दी का क्या इलाज है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नामर्दी जो है क्या है, जिसको इम्पोटेंसी कहा जाता है। नामर्दी कई बार क्या है, जो आदमी का पेनिस होता है उसके अंदर इरेक्शन नहीं आता, उसको नामर्दी या इम्पोटेंसी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि नामर्दी का या इम्पोटेंसी का जो इलाज है वो खास तौर से आयुर्वेद में ही संभव है। बाकी एलोपैथिक के अंदर इसके लिए कोई दवाई नहीं है, किसी तरह की कोई दवाई नहीं है। जितनी भी दवाएं आती हैं बाजार में, जो अंग्रेजी वाले डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो हार्मोन्स वाली मेडिसिन होती हैं, जो कुछ टाइम के लिए काम करती है, उसके अलावा वो कुछ काम नहीं होता। या आज बाजार में बिकने वाली व्याग्रा, पेनिग्रा, कैवेट्रा, जितने भी सिंडाफिल या टिंडाफिल साल्ट आते हैं, उनका उस टाइम के लिए, उस रात के लिए तो असर हो सकता है, बाकी कोई इलाज नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ क्लिनिक हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर शेख का नाम जाना जाता है। अगर आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में कहीं रहते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर शेख का नाम सर्च किया जाता है। आप हमारी क्लिनिक पर आ सकते हैं, या आप हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि गदरफोल्ड कैप्सूल हमारा जो बाजार में आता है उसको ले सकते हैं। और लेने के बाद 40 दिन आपको ये लगातार खाना है। खाने के बाद एक कैप्सूल सुबह खाइए, दो कैप्सूल रात को दूध से खाइए। इसके 3 दिन बाद ही आपको असर शुरू हो जाएंगे। और 40 दिन अगर आपने ये कैप्सूल लगातार खा लिया, तो ये भविष्य में या जिंदगी में आपको ये बीमारी दोबारा सा नहीं होगी और पूरी तरीके से आप हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। तो इसमें कोई परहेज वरहेज तो नहीं है? इसमें जो वो कहते हैं, मरीज कहता है कि इसमें कोई परहेज है, मुझे परहेज बताइए। देखिए जहां तक परहेज की बात है, तो आयुर्वेदा के अनुसार, जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मैं ये कह सकता हूं कि इसमें खटाई का परहेज विशेष होता है। खास तौर से मैं व्यूवर्स के लिए और जिनको ये परेशानी उनके लिए कहना चाहता हूं, खटाई का और अचार का परहेज करें, जिससे कि उनको ये बीमारी दोबारा से दिक्कत ना हो।